एक बुरे लड़के को मिस्टर स्क्विशी में बदलें, कैंडी वाली लड़की में जान डालें और सबसे मीठी एक्सेसरी बनाएं। सिर्फ हमारी जादुई डिजाइनर ही ये सब कर सकती है। ग्रेट एडना के मजेदार लुक्स देखिए हमारी इस नई वीडियो में। बैडी बॉय से मिले जो खिड़कियों पर पत्थर मारता है, बैडी बॉय जो एक बच्चे की जैसे खुश है, बैडी बॉय ये प्रकृति की कदर बिल्कुल नहीं करता। क्या ये फूल है? उप्स, मैं तो बस जड़ों को देखना चाहता था, वो तो जानवरों को भी तंग करता है। अगर एक बिल्ली भाग नहीं पा रही, ये बैडी बॉय की गलती नहीं। बैडी बॉय ने पहले से ही महान डिजाइनर एडना की नाक में दम कर रखा है और उसे डरा भी रखा है, और एकदम से वो वहाँ से चला गया। एडना अपनी सबसे अच्छी साथी यूनिकॉर्न से मिली, मगर बैडी बॉय पहले से ही यहाँ है। ऊपर से उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसने यूनिकॉर्न की आइसक्रीम ले ली। रो मत यूनिकॉर्न, वो इसे लेकर जाएगा कहाँ? इस खड़ूस इंसान को पता नहीं है कि इसके साथ क्या होने वाला है। बैडी बॉय नया शिकार ढूंढ रहा है, उड़ जाओ पंछियों। पर एडना बदला लेने के लिए तैयार है। एक दर्जी की नपाई करने वाली टेप उसका हथियार है, जो उसके हाथ में हमेशा रहती है। जब तक बैडी बॉय बेचारी चिड़िया पर निशाना लगा रहा है, एडना उसका नाप ले रही है और उसे पता भी नहीं। ऐसा लगता है कि इसे बुरे कामों के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये रहा, अब बैडी बॉय स्क्विशी में बदल गया। अब वो एक बड़ी मुलायम आइसक्रीम है, मिस्टर स्क्विशी। एक गत्ते के आयतकार को लीजिए, 4 से 2 फीट और ऊपर से 6 इंच नपाई। मुंह के लिए गत्ते के बीच ओवल आकार काट लें। गत्ते के ऊपरी हिस्से को कटे हुए हिस्से के मुताबिक गोल काटें। गत्ते को फोम पर छापें। 2 हिस्से काटें, एक हिस्से में मुंह के लिए छेद और दूसरा बिना किसी छेद के। एक भूरी फोम रबर शीट पर पिघलती हुई ग्लेज बनाएं। इसे कॉन्टोर के आकार में काट लें। पिघली हुई ग्लेज को ऊपर लगाएं और फिर नीचे। इसे सफेद एक्रेलिक पेंट लगाकर छापें। फोम पर एक्रेलिक पेंट करें, इससे पहले इस पर एक्रेलिक ग्राउंड से कोटिंग करें। बीच के हिस्से पर लैवेंडर शेड करें। आइसक्रीम को ऊपर से सफेद रंग करें। भूरी फोम रबर शीट के कटआउट को नीचे लगाएं। आइसक्रीम को रंगीन राइनस्टोन से सजाएं, ये स्प्रिंकल्स हैं। इसकी सभी साइड्स पर फोम की पट्टियां चिपकाएं। ये कॉस्ट्यूम का साइड का हिस्सा है। हाथों के लिए छेद छोड़ दें। ऊपर के लिए फालतू फोम के टुकड़े को काट लें। इन्हें एक के ऊपर एक लगाएं ताकि मोटी परत बन जाए। इससे आइसक्रीम ऊपर से टिकी रहेगी। कॉस्ट्यूम को असेंबल करें। आइसक्रीम की दूसरी साइड को लगाएं। भूरी फोम रबर शीट की पट्टियों से ग्लेज के निचले हिस्से को ढकें। मुलायम मिस्टर स्क्विशी एक विलन और रूट नहीं रह सकता। वो बहुत बड़ा और मुलायम है। बुरे बर्ताव को ना बोलें। मिस्टर स्क्विशी तो बहुत क्यूट है। देखो यूनिकॉर्न को उसकी आइसक्रीम वापस देते हुए वो कितना खुश है, और वो माफी भी मांग रहा है। अब से मिस्टर स्क्विशी अच्छा बर्ताव करेगा। अब कोई शरारती आइडिया उसके मुलायम ग्लेज को छू भी नहीं सकता, और अब यूनिकॉर्न उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई है। मिस्टर स्क्विशी काफी हद तक बदल गया है, बाहर और अंदर दोनों से। एडना अब खुश है, तभी वो अपने काम पर वापस चली गई, उसके बुटीक पर। उसके सारे जादुई क्लाइंट्स को अब उनकी ड्रेसेस मिल गईं और किसी को भी नए कपड़े नहीं चाहिए। अब एडना ने इमेजिनेशन से अजीब ड्रेसेस बनाई अपनी नई कलेक्शन के लिए, पर एक पार्सल ने एडना की शांति को भंग कर दिया। ये किसी प्रकार का रहस्यमय डिब्बा है, चलो देखते हैं। ओह, यहाँ पर तो एक नोट है। ये 5th Avenue के डॉल हाउस से ऑर्डर है। उन्हें एक मीठी सी पार्टी के लिए लुक चाहिए अभी के अभी, और वो बार्बी को सबसे हटकर बनाना चाहते हैं। सबसे जरूरी चीज, जब आप डिजाइन पर काम कर रहे हैं तो सही कपड़ा चुनना बहुत जरूरी है। हमें मीठी पार्टी के लिए कैंडी वाले शेड्स को और हल्के मटेरियल को चुनना चाहिए। मेरे ख्याल से ये कपड़ा बिल्कुल सही रहेगा। एक A4 साइज की शीट को 2 बार आधा मोड़ें, एक कोने को काट लें और कोनों को गोल बनाएं। अब इसे खोलें, कपड़े को आधा काट लें और उल्टी तरफ टेम्पलेट को छापें। इसे काट लें
दोनों हिस्सों को एक साथ सिल दें। बीच में ग्लेज बनाने के लिए सफेद कपड़े का इस्तेमाल करें। इस गुलाबी स्कर्ट और सफेद ग्लेज पर रिबन इलास्टिक को इस तरह लगाएं। एक सफेद ट्यूल शीट को लगाएं और उसे इकट्ठा करें। फूली हुई स्लीव से एक अच्छा सा टॉप बनाएं। टॉप को बंद करने के लिए उसके पीछे वेलक्रो लगाएं। स्कर्ट पर ग्लेज को राइनस्टोन से सजाएं। चलो, ड्रेस तो काफी हद तक पूरी हुई। एडना अपनी बनाई हुई ड्रेस से संतुष्ट है। ये पिंक शेड बार्बी के चेहरे के ब्लश को और निखार रहा है और ये ट्यूल तो एक कैंडी रैपर जैसा लग रहा है। पर इसके बारे में बार्बी का क्या कहना होगा? क्या क्लाइंट खुश है? अचानक से एडना के फोन की घंटी बजी। उतनी देर में हमारी क्लाइंट छूमंतर हो गई। बार्बी कहाँ है? अभी तो उसकी ड्रेस की फिटिंग पूरी होनी बाकी है। वो ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी। उसके पैर छोटे से जो हैं। एडना की बुटीक पर कुछ भी मुमकिन है। ड्रेस को पहनने से बार्बी जिंदा हो गई और अब डिजाइनर के सामने असली कैंडी वाली लड़की खड़ी है। ये कितनी सुंदर है। एडना अपनी बनाई हुई ड्रेस के बड़े रूप को ध्यान से परख रही है। हमें इसके मोड़ को स्मूथ करना होगा। रुको, ये क्या? इस कैंडी वाली लड़की के पैरों में सिर्फ सफेद जुराब सिंड्रेला की फेरी गॉड मदर ऐसा होने नहीं देगी। पर एडना अभी सब ठीक करेगी। इस कैंडी गर्ल के लिए केक शूज। हील्स पर पिघलती हुई ग्लेस का आकार बनाए। हॉट ग्लू से ग्लेस को बनाएं। ग्लू के सूखने पर हील्स पर गुलाबी एक्रेलिक पेंट करें। ग्लेस पर लेवेंडर वाले रंग को करें। दोनों हील्स पर आइसक्रीम फिलिंग वाली केक की परतों को बनाएं। एक नकली चेरी को हील की टिप पर लगाएं। सफेद एक्रेलिक पेंट से ग्लेस को टेक्सचर्ड बनाएं और चेरी के नीचे व्हिप्ड क्रीम को बनाएं। तो चलो, अब लुक पूरी हुई। एडना बस आखिरी चीज देख रही है। अब डिजाइनर संतुष्ट है। अब बार्बी शहर की सबसे मीठी पार्टी में जा सकती है। सभी मीठे के शौकीनों को ये लुक बहुत पसंद आएगी। इस कैंडी गर्ल के साथ सैर करना बहुत संतुष्टि देता है। पर कभी कभी ऐसी लड़कियां छोटी छोटी चीजों पर बहुत ध्यान देती हैं। वो इस लॉलीपॉप को खत्म नहीं करना चाहती और इसने एडना को प्रेरित किया। वो इससे एक महान एक्सेसरी बना सकती है। वो एक भड़कीली और स्टाइलिश हैट बनाएगी। एक नन्ही हैट पर लेवेंडर के रंग को करें। इसे कैंडीज और लॉलीपॉप से ढके हैट को हेडबैंड पर लगाएं। एडना ने जल्द ही एक रचनात्मक हैट बना दी। ये कैंडी एक्सेसरी इस कैंडी गर्ल के स्वाद जैसी है। चलो इसे ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया, बस इसी की कमी थी। एक केक के ऊपर चेरी जैसा, मेरा मतलब कैंडी गर्ल पर लॉलीपॉप, एडना को बहुत पसंद आया। चलते चलते एडना और कैंडी गर्ल फेरी वर्ल्ड की नई फैशन न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं और बेचारा मिस्टर स्क्विशी उनकी तरफ आया। उसने एडना से उसे पहले जैसा बनाने की विनती करी। वो स्क्विशी आइसक्रीम बनकर तंग आ गया है। वो आम तरीके से खाना चाहता है, सॉकर मैच देखना चाहता है। ये मुलायम चीज सब खराब करती है, पर एडना जिद्दी है। बेचारा मिस्टर स्क्विशी, ऐसा लगता है उसे कुछ और समय के लिए इस कॉस्ट्यूम को झेलना पड़ेगा। प्लीज उसकी मदद करो। आखिरकार कैंडी गर्ल का दिल पिघल गया। उसका दिल बहुत मुलायम है और स्ट्रॉबेरी जैम से जो भरा है उससे देखा नहीं जा रहा। तभी उसने मिस्टर स्क्विशी को जादुई किस करी। हुर्रे, श्राप टूट गया। मिस्टर स्क्विशी पहले जैसा बन गया। थैंक यू कैंडी गर्ल। अब वो एडना से कोई मतलब नहीं रखेगा। वो उसे कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत खड़ूस और मतलबी इंसान है अपने फैब्रिक स्टोर की। अब बहुत हुआ। महान एडना इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। बैडी बॉय को कोई भी नहीं बदल सकता और उसने सबक नहीं सीखा, इसलिए कुछ और समय के लिए वो एक मुलायम आइसक्रीम है। क्या आपको हमारी मीठी लुक्स पसंद आई? हमें कमेंट्स के जरिए बताएं कि आपको कौन सी कॉस्ट्यूम ज्यादा पसंद आई, मिस्टर स्क्विशी या कैंडी गर्ल। हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आप ऐसे नए फैशन मेकओवर्स रूम से मिस ना कर दें।